चिकित्सा विभाग की ओर से शुक्रवार को सीकर शहर में संचालित प्राइवेट लैबों की जांच की गई। इस दौरान बिना लाइसेंस और बिना स्वीकृति के लैब संचालित करने पर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने दो जनों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। सीएमएचओ डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि सीकर शहर में बिना लाइसेंस और बिना स्वीकृति के लैब संचालित करने की मुखबिर से सूचना मिली थी। शुक्रवार को उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सीपी ओला के नेतृत्व में विभाग की एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा सीकर शहर के सालासर बस स्टैंड के पास स्थित जोया मार्केट में कोविड-19 की जांच के लिए सैंपल लेने की सूचना पर कार्रवाई की गई। सीएमएचओ डॉक्टर अजय चौधरी के निर्देशन में डिप्टी सीएमएचओ और कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर सीपी ओला ने टीम के सदस्य मेल नर्स द्वितीय रणजीत बुडानिया, वरिष्ठ सहायक नीरोज कुमार और कनिष्ठ सहायक संदीप कुमार के साथ जोया मार्केट में कार्रवाई की। टीम जब जोया मार्केट में पहुंची तो मार्केट के प्रथम तल पर एक दुकान में बिना किसी अनुमति और सूचना के कोरोना जांच के सैंपल लिए जा रहे थे। दुकान के बाहर करीब 25 से 30 लोग सैंपल देने के लिए और रिपोर्ट लेने के लिए कतार में खड़े थे। यहां पर मोहम्मद सद्दीक चौहान और मोहम्मद शाहिद से टीम द्वारा सैंपल लेने संबंधी स्वीकृति शैक्षणिक दस्तावेज मांगे जाने पर उनके द्वारा कोई दस्तावेज नहीं दिया गया। दुकान की दीवार पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा जारी सूर्यम डायग्नोस्टिक सेंटर जयपुर को जारी स्वीकृति पत्र चिपका हुआ दिखाया। दुकान में कार्डिक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम की कोविड टेस्ट रिपोर्ट भी पाई गई, जिसमें 4 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। यहां पर कोविड-19 टेस्ट के लिए निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल की जा रही थी। वहीं उक्त लोगों द्वारा शुक्रवार को 24 सैंपल भी लिए गए। इस पर डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर ओला ने अर्बन पीएससी 1 नंबर की टीम को मौके पर बुलाया और उनको उक्त लोगों द्वारा लिए गए सैंपलों को आरटीपीसीआर के माध्यम से जांच के लिए भिजवाने के निर्देश दिए। वहीं दोनों पकड़े गए व्यक्ति सैंपल लेने के लिए भी प्रशिक्षित नहीं थे। उनके पास कोई नर्सिंग और पैरामेडिकल की डिग्री भी नहीं पाई गई। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर ओला ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान के ताला लगाकर सामान जब्त कर लिया और दोनों व्यक्तियों को पुलिस के हवाले कर दिया।